इसराइल हमास की जंग के बीच भारत और कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो इन दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं, मगर फिर भी इसराइल की खातिर भारत ने कनाडा का समर्थन किया है। दरअसल भारत ने कनाडा से मौजूद विवाद को किनारे रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसके प्रस्तावित संशोधन का समर्थन किया, जिसमें इसराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताया गया था और उसके कृत्य को स्वीकार नहीं करने की बात कही गई थी। साथ ही उस प्रस्ताव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गई। हालांकि भारत और कई अन्य देशों के समर्थन के बावजूद पर्याप्त वोट नहीं मिल पाने की वजह से ये पारित नहीं हो पाया, मगर फिर भी भारत ने इसराइल और मानवता के कारण अपने उन सारे विवादों को किनारे रखा जो कनाडा की वजह से शुरू हुए थे। हालांकि इस दौरान गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में वोटिंग से भारत ने खुद को दूर रखा, मगर प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 बहुमत मिलने की वजह से इसे पारित किया गया। जॉर्डन की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव को बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक देशों का समर्थन मिला। इसके पक्ष में 120 वोट, विपक्ष में 14 वोट और अनुपस्थितियों की संख्या 45 रही, जिसमें भारत भी था। बताया जा रहा कि इस प्रस्ताव में इसराइल पर हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से भारत ने इससे दूरी बनाई। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, कनाडा और यूके भी भारत के साथ मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले देशों में शामिल रहे। हालांकि इस दौरान भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने भारत के रुख के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बंधक बनाए गए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करते हैं। आतंकवाद घातक है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। आइए हम मतभेदों को दूर रखें, एकजुट हो और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाएं। इन अ वर्ल्ड वेयर डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व्ड बाय डायलॉग, दिस ऑगस्ट बॉडी शुड बी डीपली कंसर्न्ड एट रिकोर्स टू वायलेंस, दैट टू when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. भारत का रुख पहले दिन से साफ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। हमास के आतंकियों ने जो किया उसे भारत कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही वजह भी थी कि जॉर्डन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने परहेज किया। भारत के इस कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।